नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत भागलपुर से करते हैं। भागलपुर के नगर पंचायत कहलगांव के कार्यकारी अध्यक्षा नूतन कुमारी ने विभिन्न विभागों का समीक्षात्मक बैठक किया, जिसमें प्रमुखता से आवास योजना, शौचालय योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राजस्व वसूली, जन्म मृत्यु व अतिक्रमण आदि बिंदुओं की समीक्षा हुई। बख्तियारपुर में युवाओं ने शहीद कमलेश कुमार के याद में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शहीद के पैतृक घर लखनपुरा से करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर बख्तियारपुर नगर भ्रमण करते हुए सीढ़ी घाट गंगा तट पर पहुंचकर कैंडल मार्च श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया, जहां मौन धारण कर लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। जदयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राजद के जनप्रिय विधायक नीतीश जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर उनके साथ आना चाहते हैं तो जदयू उनका स्वागत कर सकती है। उन्होंने सासाराम में कहा कि राजद में लीडरशिप का घोर अभाव है और जदयू में दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें भी लंबी राजनीतिक पारी खेलने की इच्छा है। क्योंकि बिहार में उनकी एक लोकप्रियता है और राजद में जिस लीडरशिप में वो काम कर रहे हैं वो लीडर कहीं दिखते नहीं हैं। आप देखे होंगे कई ऐसे फोरम था जिसमें कि विपक्ष को निश्चित रूप से रहना चाहिए, विधानसभा चल रहा था, गायब थे, तो वहाँ लीडरशिप रह नहीं गई, इसलिए बड़ी मायूस दिख रहे हैं और उन्हें राजनीति करने का, जनसेवा करने का उनका भी एक आशा और आकांक्षा है, इसलिए वो सोच रहे हैं। और अब स्वागत होगा, हम लोग की तो पार्टी हमेशा बड़ी बन रही है, बहुत लोग आते हैं, तो जो जनप्रिय लोग होंगे, लोगों की भावना होगी जनता का सेवा करने वाले, वैसे लोगों का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 69वीं जन्मदिन सासाराम में मनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर विभिन्न निजी अस्पतालों में जाकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया। जिलाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि भाजपा का सेवा सप्ताह चल रहा है और इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मरीज जो अस्पताल में मरीज हैं उनको फल वितरण कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल खंडेलवाल के द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 राजकीय उच्च विद्यालय नवादा में आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर आलोक, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर विवेकानंद, डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित अन्य डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों की जाँच कर मुफ्त दवा का वितरण किया। डॉक्टर विवेकानंद सरकार हैं, यहाँ दंत की और आँख का भी इलाज हो रहा है और साथ साथ जनरल फिजिशियन भी दो हैं और एक दंत वाले हैं और एक आँख वाले हैं। ये जो है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये आयोजन किया गया है, सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज संयोग से उनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन होने के कारण आज हम लोग यहाँ इस हरिजन टोला जो नवड्डी है, दलित बस्ती जो है, इस टोले में हम लोग कार्यक्रम रखे हैं जहाँ पूरे नगर पंचायत से लोग आ रहे हैं और उनकी चिकित्सा हो रही है। आप इधर भी देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है मरीजों की। मोकामा के राजेंद्र पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस पुल पर वाहन ने दो युवकों को कुचल डाला। इस हादसे में एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि एक अन्य युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल युवक को मराठी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कसहा दियारा गाँव के रहने वाले हैं।
मुजफ्फरपुर के जिला परिषद के सभागार में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने पोषण दूर करने को लेकर शपथ दिलाया। इस मौके पर मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि बीते महीने जिले में जो AES जैसी संदिग्ध बीमारी से सैकड़ों बच्चों की जान गई है, उसे ही लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। माँ अवेयरनेस प्रोग्राम मुजफ्फरपुर जिला जिलाधिकारी और सभी हमारे सेविकाएं, सभी डॉक्टर्स के जरिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमारे कोई भी समाज का लोग कुपोषण का शिकार नहीं हो। सासाराम के सदर अस्पताल में पिछले 6 महीनों से ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है, लेकिन मानव संसाधन की कमी के कारण इसे शुरू नहीं किया गया है। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में सुसज्जित तरीके से करोड़ों की लागत से ट्रामा सेंटर का भवन बन चुका है, लेकिन पिछले 6 महीनों से इसमें ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि सासाराम में ट्रामा सेंटर बनाने की मांग अरसों से की जा रही थी। सरकार ने इसके लिए फंड भी उपलब्ध करा दिया। टेंडर के बाद भवन भी बनकर तैयार है। एयर कंडीशन से लेकर लगभग सभी ढांचागत सुविधाएं इसमें उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन ट्रामा सेंटर का उद्घाटन अब तक नहीं हो सका है। दिक्कत, भवन तैयार है लेकिन अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। जी सर, हैंडओवर होने के बाद भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी के चलते चलाने में दिक्कत तो महसूस जरूर होगी। ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा तो आसानी से चलेगा। भगवान की मूर्ति ने लिया 2 लोगों की जान, ये खबर मोतिहारी जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोविंदपुर चार धाम मठ स्थित की है। दरअसल मंदिर के ठीक पीछे एक नदी है जो उत्तर बहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। बीते दिनों उस नदी में मछली पकड़ने के लिए 2 युवती गई तो उन्हें वहां से कीमती शिवलिंग और महाकाल रात्रि देवी की मूर्ति मिली। दोनों ने छिपकर उस मूर्ति को घर में स्थापित कर लिया, जिसके कुछ ही दिनों बाद दोनों युवती की मौत हो गई। मौत कैसे हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। चार धाम दर्शन आश्रम है, इसके ठीक पीछे नदी है। नदी में बहुत सारे लोग आते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के समय जो है बगल के ही गांव का जो है एक मूर्ति मिला, जिस मूर्ति को वो लोग यहाँ नहीं रख कर घर ले गया। घर ले जाने के बाद जो बहुत सारा उपद्रव उसको हुआ, उपद्रव के बाद भी नहीं कुछ किया, तो अंत में इसका एक दो आदमी का मृत्यु हो गया। बहुत क्षति होने के बाद मृत्यु हो गया, सर्प को डसने से, सर्प बन करके उसको डस लिया। उसके बाद तो जो है से यहाँ हमारे यहाँ ले आया, गया ठीक है इस जगह पर उसको रख दो, यहाँ है तो श्मशान है, चलता श्मशान, श्मशान देवी है, तो उसको स्थापना हम लोग करवा दिए हैं मंदिर में। कैसे मिला आपको? सिर घोंघा पकड़ गया है था। अच्छा, तो मिलल? हाँ। अच्छा, तो के लगे मंदिर बा तो वही लगे काहे ना रख देली घरे ले ली? घरे ले आईली जे मूर्ति बा तकरा के घरे ले जाम पूजा पाठ करल जाई। तई सुनने में आ रहा है सपना अपन सपन अपन आता था का कि बाहरी काली? हाँ। क्या सपन में क्या आता था? सपन आयलक ये जे हमरा के बाहर निकाल दे, 3 दिन से सपन देलक जे बाहर निकाल दे हमरा के, तोरा पूजला से ना पूजा हमरा के सारा लोग पूजी। सरकार के भरोसे ना तो सूखे नहर से पानी मिला और ना ही डीजल मिला, तो केवल अनुदान, वो भी सोशल मीडिया से, जिससे खाद की किल्लत और काला बाजारी से किसानों का पसीना छूट रहा है। लेकिन अब बारिश होने की वजह से किसानों की समस्या दूर होती दिख रही है। बता दें कि मोतिहारी को धान की खेती के लिए जाना जाता है। ऐसे तो यहां ईख का खेती होता था, परंतु चीनी मिल के बंद हो जाने के कारण अब धान की खेती मुख्य रूप से होती है। मेहसी प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र के भुड़कुड़वा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची अपने दरवाजे पर बारिश में नहा रही थी, तभी वज्रपात गिरने से बच्ची की मौत हो गई। कर रहा था उस काम में, ठंडा गिरने के समय में ये।
बख्तियारपुर के दनियावा प्रखंड अंतर्गत राजकीय कृत उच्च विद्यालय तोप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनियावा के डॉक्टरों की टीम के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन का केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस अवसर पे हम लोग उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विभाग की तरफ से यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जांच यहाँ पे है, जैसे शुगर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर का हुआ, गर्भवती माता का जांच हुआ, छोटे छोटे बच्चे का टीकाकरण होता है, विकलांगता शिविर भी लगाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के पटुवाहा में हवा कंप्रेसर टंकी फटने से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ग्राम पंचायत पटुवाहा का ही था। आज सवेरे में ये जो है साफ सुथरा कर रहा था, हवा भर रहा था, पंचर बनाने का मशीन रखे हुए था, उसमें हवा भर रहा था। इसको ज्यादा हवा भरने के कारण वो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के कारण इसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्म दिवस मोकामा में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में उत्साही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। बिहार में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। एक तरफ शिक्षक अपने वेतन को लेकर प्रखंड जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करते दिखते हैं, तो वहीं सरकार ने जिन्हें देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें देश के राजनेताओं का नाम तक नहीं पता। कुछ ऐसा ही मामला सीतामढ़ी के एक विद्यालय से आया है, जहां सहायक प्राचार्य से जब देश के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया तो उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का? भारत के वित्त मंत्री। मैडम है, क्या नाम है? रक्षा मंत्री। क्या नाम? रक्षा मंत्री। भारत के वित्त मंत्री का क्या नाम है मैडम? जी बताइए ना, जब बच्चे को नहीं पता है तो आपको तो पता होना चाहिए, आप टीचर है। भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताइए। नहीं पता है मैडम। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।